मोनो कंट्री आर्क में कुछ बहुत ही अच्छे फाइट्स हमें देखने को मिले हैं अब तक, और एक बड़े फाइट के लिए सब अपनी सांसें रोककर वेट कर रहे हैं। जिस चीज के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं लूफी के गियर 5th के लिए, उसमें और डिले होने वाला है। अभी तो फिलहाल ये पता चल रहा है कि वन पीस ब्रेक पे जाने वाला है। इस टॉपिक पे पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही हो। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भले ही जॉली वैग्स के बैंड जैसे लगते हों, लेकिन उनके हर मेंबर्स का कुछ ना कुछ डीप एंड कंपेलिंग बैक स्टोरी छुपा हुआ है। हम स्ट्रॉ हैट पायरेट फैंस को लगभग सारे मेंबर्स के बैक स्टोरीज के बारे में पता है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बैक स्टोरी या ओरिजिन स्टोरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और शायद उन्हें खुद को नहीं पता। जैसे नामी को एक फॉर्मर मरीन ऑफिसर बेले मेरे ने रेस किया, लेकिन नामी को अपने रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, और शायद उसे फर्क भी नहीं पड़ता। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि क्रू का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर रोरोनो अज़ोरो की बैक स्टोरी या ओरिजिन स्टोरी के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। और अगर वन पीस या ओडा चाहते तो ज़ोरो के कैरेक्टर को वानो आर्क में एक्सप्लोर किया जा सकता था। वानो आर्क का प्राइमरी फोकस है मॉन्स्टरस काइडो को डिथ्रोन करना है। इसके लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने दूसरे पायरेट क्रूज के साथ और रेसेस और वानो आर्क के ऑप्रेस्ड लोकल्स के साथ मिलकर उन्होंने एक अलायंस बनाई। हालांकि ये देखते हुए कि वानो वन पीस का सबसे ब्रेवेस्ट स्वॉर्ड्समैन का घर है, मुझे ऐसे लग रहा था कि एक सर्टन स्वॉर्ड मेनिया के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हमें इस चीज में उलझाए रखा ओडा ने कि लूफी एक नया पावर गेन कर रहा है, और लूफी ने एक नया पावर गेन भी किया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन ज़ोरो और लैंड ऑफ समुराई के बीच में नहीं दिखाया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़ोरो फर्स्ट मेंबर था जिसे लूफी ने रिक्रूट किया था स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में, और हम फैंस को थोड़ा बहुत ज़ोरो की ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता भी है। फ्लैशबैक में हमें जैसे कि दिखाया कि ज़ोरो के पास बचपन से ही स्वॉर्ड चलाने का टैलेंट था, और उसे लगता था कि एक विल्डर के पास जितना स्वॉर्ड होगा वो उतना ही पावरफुल हो, और इसी बिलीफ की वजह से ज़ोरो अपना फर्स्ट चैलेंज रिमोत्सुकी विलेज के एक डोजो को करता है, और उस फाइट के लिए ज़ोरो हो सके उतने बाम्बू स्वॉर्ड्स के साथ फाइट करता है। ये गोफी जरूर लगता था उस वक्त, बट इससे ही ज़ोरो का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हुआ। हाँ, ये है कि ज़ोरो की बैक स्टोरी को एक हैप्पी नोट के साथ खत्म नहीं किया गया, जैसे कि होता है वन पीस में। बिना एक्चुअल स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग ना होने की वजह से ज़ोरो को ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ता है कुइना से हारने के बाद, और फिर ज़ोरो उसी सेम डोजो को ज्वाइन कर लेता है जिस डोजो में कुइना होती है, और ज़ोरो का एक होल एंड सोल पर्पस बन जाता है कि उसे कुइना को हराना है। उसी गोल को ध्यान में रखते हुए ज़ोरो बहुत ही हार्ड और रिग्रेस ट्रेनिंग करता है ताकि वो कुइना को हरा सके। लेकिन उससे पहले ज़ोरो कुइना को हरा सके, एक ट्रेजिक इंसिडेंट में कुइना की डेथ हो जाती है, जिस वजह से ज़ोरो ने कसम खा ली कि वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। ज़ोरो वाडो इचिमोंजी से कुइना की स्वॉर्ड मांगता है जो कि 21 ग्रेट ग्रेट स्वॉर्ड्स में शामिल है, जिसे कुइना के ब्लैकस्मिथ ग्रैंडफादर शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो ने फोर्ज की थी। ज़ोरो की शिमोत्सुकी फैमिली के साथ का कनेक्शन यहीं पे खत्म नहीं होता है। वानो कंट्री आर्क में ज़ोरो के साथ सब कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई है उसके साथ। जैसे कि ज़ोरो को ओज़ोकी ओडन की रेनॉर्ड एनमा स्वॉर्ड मिलती है, जिसे कंट्रोल करना किसी भी बस की बात नहीं है, क्योंकि एनमा फोर्सिबली यूजर्स की आगे कंज्यूम करती है, और इस वजह से ज़ोरो को बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि वो एनमा को कंट्रोल कर सके और उस पर मास्टरी हासिल कर सके। इस ट्रेनिंग की वजह से ज़ोरो की बैटल प्रॉस बढ़ जाती है, इसको वो अच्छी तरह से प्रूव करता है एडो को स्कार देके और पिंक को हरा के, और इससे हमें ये पता चलता है कि ज़ोरो ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। इतने नोटेबल फीट्स के अलावा भी वानो आर्क में हमें ये रिवील हुआ कि ज़ोरो का कोई ना कोई तो कनेक्शन है वानो के साथ, स्पेशली शिमोत्सुकी फैमिली के साथ। एनमा के रिटर्न में ज़ोरो को शुशुई वापस करनी पड़ती है, जो कि उसे खुद शिमोत्सुकी रुइमा ने दी थी थ्रिलर बार्क में। इंटरेस्टिंगली एनमा भी शिमोत्सुकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है। एनमा को भी सेम कुइना के ग्रैंडफादर शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो ने फोर्स की थी। कावामात्सु और योगोरो ने भी कन्फ्रंट किया कि ज़ोरो दूसरे शिमोत्सुकी मेंबर्स के साथ बहुत रिजेम्बलेंस करता है, खास तौर पे शिमोत्सुकी उशिमारू के यंगर डेज जैसे। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि ज़ोरो में वन आइड लेजेंडरी गॉड ऑफ ब्लेड शिमोत्सुकी रुइमा की झलक है। हालांकि वानो आर्क में बहुत सारे हिंट दिए गए कि ज़ोरो किसी न किसी तरह से कनेक्टेड तो है शिमोत्सुकी फैमिली के साथ, लेकिन अभी तो कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है वन पीस की तरफ से, क्योंकि अपने इचिरो ओडा सर ने SBS से कंफर्म किया है कि उशिमारू ज़ोरो के फादर नहीं है। लेकिन इतने से हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि ज़ोरो किसी न किसी तरह से शिमोत्सुकी ब्लड या किसी समुराई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि और भी समुराइज ने तो एस्केप किया ही होगा ना वानो कंट्री को, जैसे शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो ने किया था। वानो आर्क खत्म होने के बाद भी हम वन पीस फैंस क्लूलेस है ज़ोरो के ओरिजिन स्टोरी से, जबकि सांजी जो कि और एक मेन फोर्स है स्ट्रॉ हैट्स का, उस पे एक पूरा का पूरा आर्क डेडिकेटेड है। सेम जैसे ज़ोरो की बैक स्टोरी थी, वैसे ही सांजी की बैक स्टोरी उसके फॉस्टर पेरेंट के अराउंड रिवॉल्व होते हुए दिखाया था हमें। लेकिन होल केक एलन में ये रिवील हुआ ना कि सांजी की फैमिली जिंदा है, बल्कि सांजी एक रॉयल ब्लड लाइन से है। होल केक एलन में हमें सांजी के पूरे ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता चला। सांजी ने अपनी लॉयल्टी तो प्रूव की ही, साथ ही उसने अपनी जेंटलमैन कुक वाली इमेज को
भी बहुत बढ़ाया। मोर इम्पोर्टेंटली ये कि इस आर्क में सांजी को अपने रूट से जुड़ते हुए दिखाया और तो और सांजी को बड़ी पावर अप भी मिलती है। तो सवाल मेरा ये है कि जोरो को भी ये सेम ट्रीटमेंट कब मिलेगी? कहीं ऐसे तो नहीं कि जोरो को किसी टाइप का मॉन्स्टर बनना पड़े? अगर ओडा चाहते तो वानो आर्क में रिकनेक्ट कर दिया होता शिमोसी की फैमिली के साथ, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो अगर कनेक्ट कर दिया होता शिमोसी की फैमिली के साथ तो भी चलता। जोरो की ग्रेटेस्ट राइवल और शायद जोरो का पहला प्यार एक शिमोसी की डिसेंडेंट ही थी। क्या पता ओडा सर के खुराफाती दिमाग में ऐसी कौन सी ओरिजिन स्टोरी है जोरो के लिए कि ओडा सर अपना पूरा टाइम ले रहे हैं। मैं तो बस इतना ही प्रे करूंगा कि जैसे सांजी को बहुत ही जोरदार बैक स्टोरी मिली, वैसी सेम जोरदार और शायद उससे भी ज्यादा जोरदार जोरो की बैक स्टोरी को भी मिले। That being said, वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल वाला बटन तो दिख ही रहा होगा तुम्हें, बस दबा दो उसे, और साथ ही बेल आइकन को ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है जोरो के बैक स्टोरी के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, स्टे ट्यून्ड, बाय, नमस्ते।